अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे पास स्टिल ऑर्डर की डबल वेयर फाउंडेशन है और इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और इसके बॉक्स की बैक साइड के ऊपर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है और इसकी डिटेल भी मेंशन है। और ये क्लेम करते हैं कि ये 24 आवर तक आपकी स्किन के ऊपर स्टे करती है, ऑयल फ्री है, फ्रेगरेंस फ्री है, मैट फिनिश है और मीडियम टू फुल कवरेज है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है आपकी स्किन के ऊपर, स्किन लाइक फिनिश है इसकी। और इसके अलावा ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी है और ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और इसमें जो मेरे पास शेड है वो आइवरी बेज शेड है। और जैसे ये लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है तो आप इसको पार्टी मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने फाउंडेशन को और आपकी फाउंडेशन जो है वो फ्रेश रहेगी। और इसकी जो प्राइस है 15,000 की रेंज में आपको मिल जाती है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव फाउंडेशन है, आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलती, ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं या फिर जो बड़े स्टोर है वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। और इसके साथ आपको पंप नहीं मिलता, आपने इसको ऐसे यूज़ करना है, पंप जरूर होना चाहिए फाउंडेशन के साथ। उसके साथ इजी रहता है आपको अप्लाई करना, प्रोडक्ट को यूज़ करना और इससे आपकी प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं होती। समटाइम ऐसे होता है कि आप निकालने लगते हो तो वो ज़्यादा निकल आती है, तो जिससे आपकी फाउंडेशन वेस्ट होती है। मतलब इतनी एक्सपेंसिव फाउंडेशन दे रहे हो तो साथ में एक पंप भी दे दो ताकि ईजी टू यूज़ हो जाए। अच्छा, ये फाउंडेशन बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती है और इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा लिक्विडी है, यानी आपको काफ़ी नेचुरल फिनिश देती है, ना ही बहुत ज़्यादा मैट है और ना ही बहुत ज़्यादा ग्लोइंग फाउंडेशन है। और इतने इजीली ये अप्लाई हो जाती है और इतनी इजीली ये ब्लेंड हो जाती है, इवन आप इसको फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, इसको ब्लेंड कर सकते हो। उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अच्छे से सेट कर लें और इसके साथ आपको कंसीलर अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी इसकी कवरेज है। फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें, स्किन को अच्छे से प्रेप करें, मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, प्राइमर अप्लाई करें और उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करें। अच्छा, ये बिल्डेबल फाउंडेशन है क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो लाइट है, तो इसलिए आप इसको 3-4 लेयर तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप 1 लेयर अप्लाई कर लो, अगर मीडियम कवरेज चाहिए तो एक और लेयर अप्लाई कर लो, अगर फुल कवरेज चाहिए तो आप 3 लेयर अप्लाई कर सकते हो और ये बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी, स्किन लाइक इसकी फिनिश होगी इवन 3 लेयर अप्लाई करने के बाद भी, और आपके फेस के ऊपर बहुत लाइट फील होगी और कम्फर्टेबल फील होगी। ये बिल्कुल भी थिक फाउंडेशन नहीं है क्योंकि जो थिक फाउंडेशन होती हैं उन्हें जब आप 2-3 लेयर अप्लाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा केकी लगती हैं। और इसके अलावा ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी है और इसके अलावा ये आपके पोर्स को क्लॉग भी नहीं करती और फ्रेगरेंस फ्री भी है और इसके अलावा ये ऑयल फ्री भी है। और इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, बस इसका ये प्रॉब्लम है कि इसके साथ पंप नहीं है और सेपरेट से भी नहीं मिलता। जैसे मैक की फाउंडेशन है तो उसके साथ आप सेपरेट से परचेज कर सकते हैं और इसका नहीं मिलता सेपरेट से, तो पंप ज़रूर होना चाहिए ताकि इजी टू यूज़ हो जाए। ओवरऑल ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है पार्टी मेकअप के लिए और वैसे भी यूज़ करने के लिए।